द्रौपदी उस दिन टूट सी गई जब अर्जुन सुभद्रा के साथ ब्याह रचाकर द्वारिका से इंद्रप्रस्थ आए। उस दिन उसने ठान लिया कि वो अर्जुन और सुभद्रा से मिलने नहीं जाएगी और उसने ऐसा ही किया। महल के एकांत कक्ष में चली गई। उसे दुख इसलिए नहीं हुआ कि उसके पति अर्जुन सुभद्रा को द्वारिका से भगा लाए। दुख इसलिए हुआ कि मधुसूदन श्री कृष्ण ने अपनी बहन का अर्जुन से विवाह कराया और अब सुभद्रा उसकी सौत बन गई। श्री कृष्ण को वो अपने प्राणों से बढ़कर मानती थी, सबसे अधिक भरोसा करती थी और आज उन्होंने ही ऐसा कठोर निर्णय लिया। इंद्रप्रस्थ के उत्सव से दूर महल के एक कोने में बैठी विचारों में डूबी थी कि अर्जुन सुभद्रा को साथ लिए उसके पास आए। पांचाली, तुम यहाँ? कितना ढूंढा तब तुम्हारे दर्शन हुए। मेरे दर्शन? पर क्यों? मुझे ढूंढने की क्या आवश्यकता पड़ी? लगता है तुम्हें सुभद्रा को मेरे साथ देखकर अच्छा नहीं लगा। सुभद्रा मेरी बहन है, सुभद्रा से मेरी कोई उलाहना नहीं है, पर आप तो मेरे पति हैं। क्या आपने सुभद्रा से विवाह के पहले मुझे सूचना देना जरूरी नहीं समझा? क्षमा करना दीदी, भूल मेरी है, केवल इसलिए कि आपकी सेवा कर सकूं। आपकी दासी बनकर रहूंगी दीदी, आप क्रोध ना करें। क्या बोलती जा रही हो सुभद्रा? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, दुख केवल इस बात का है कि फाल्गुनि ने मुझसे कुछ बताया ही नहीं। क्या मुझे इतना भी जानने का अधिकार नहीं था? क्या मैं मना कर देती? फाल्गुनि ने नाग कन्या से विवाह किया तो मैंने मना किया, मणिपुर की आर्या से विवाह किया तो क्या मैंने मना किया? यदि मुझसे भूल हुई तो क्षमा चाहता हूँ पांचाली, किंतु तुम्हारे प्रति मेरे मन में सम्मान का जो भाव है वह सुरक्षित है और सदैव रहेगा। ज्ञान, बुद्धि, विवेक और साहस में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा संबंध मेरी आत्मा से है, वहां किसी और का कोई स्थान नहीं है। और अर्जुन की बातें सुनकर द्रौपदी की आंखें छलक आईं। अर्जुन भी भावुक हुए। सुभद्रा द्रौपदी से लिपट गई, दोनों रो पड़ी जैसे वर्षों बाद दो सखियां मिली हों। कुछ महीनों में ही सुभद्रा द्रौपदी की सबसे प्रिय हो गई। इसके कारण थे श्री कृष्ण। जो कृष्ण को प्रिय था, कृष्णा को भी प्रिय था। द्रौपदी ने मान लिया कि श्री कृष्ण ने जो भी किया उसके भले के लिए ही किया होगा। ये मानने के सिवा उसके पास कोई और उपाय था भी नहीं। उसने स्वीकार कर लिया कि पुरुष का निर्णय सर्वोपरि होता है और उसके लिए उसे अपनी पत्नी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो सहज हुई। कई साल बीत गए, सब यूं ही चलता रहा। ज्येष्ठ पति ने राजसूय यज्ञ का निर्णय लिया। परामर्श के लिए मधुसूदन द्वारिका से आए। धर्मराज ने द्वारिकाधीश से पूछा, श्री कृष्ण, कई दिनों से राजसूय यज्ञ की चर्चा चल रही है। मेरे भ्राताओं ने भी यज्ञ का समर्थन किया है, किंतु मैं इसका अंतिम निर्णय आप पर छोड़ता हूँ। महाराज युधिष्ठिर, आप राजसूय यज्ञ के सर्वथा उपयुक्त हैं। धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आप जैसे धर्मात्मा को राजसूय यज्ञ अवश्य कराना चाहिए। किंतु श्री कृष्ण, अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए क्या युद्ध और रक्तपात को प्रशय देना उचित होगा? राजसूय यज्ञ का अर्थ है धर्म की अधीनता स्वीकार करना। इसमें रक्तपात और युद्ध का कोई स्थान नहीं है। द्रौपदी सुनती रही। उसके पति और श्री कृष्ण बातें करते रहे। उसे कुछ कहने का कोई स्थान नहीं मिला। बस राजसूय यज्ञ में अपना स्थान ढूंढती रही और उसे स्थान मिल गया। धर्मराज युधिष्ठिर जिस युद्ध का विरोध कर रहे थे वही युद्ध द्रौपदी की नियति था। उसका जन्म ही युद्ध के लिए हुआ था। उसके मन में प्रतिशोध की अग्नि तो धधक ही रही थी। तो राजसूय की बात सुनकर उसे अच्छा लगा। वैसे भी परिस्थितियां यज्ञ के माध्यम से द्रौपदी के प्रतिशोध का मार्ग बना रही थीं। श्री कृष्ण के परामर्श से जरासंध और शिशुपाल का अंत हुआ और पांडवों का यज्ञ संपन्न हुआ। हस्तिनापुर से कौरव आए और इंद्रप्रस्थ का वैभव देखकर उनके होश उड़ गए। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ भवन देखने गया तो स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र उठा लिए। द्रौपदी को हंसी आ गई। कौन मेरी हंसी उड़ा रहा है?
कौन है सम्मुख आओ। तुम स्वयं हंसी के पात्र बन रहे हो दुर्योधन। ओ तुम हो पांचाली, मैंने ऐसा क्या किया? बस बात इतनी सी है कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। पांडवों की संपदा और वैभव देखकर दुर्योधन पहले से ही चिंतित था। द्रौपदी की हंसी ने आग में घी का काम किया। दुर्योधन जैसे अभिमानी राजा के लिए ये कोई साधारण अपमान नहीं था। उसके मन में बदले की अग्नि धधक उठी। दूसरी ओर अनजाने में द्रौपदी ने भी प्रतिशोध की पृष्ठभूमि रच दी और यहीं से नींव पड़ी महाभारत की। दुर्योधन को उसके मामा शकुनी और मित्र कर्ण का साथ मिला और शुरू हुआ कूटनीति का खेल। तो कैसे पूरा हुआ द्रौपदी का प्रतिशोध, सुनते रहिए पंच कन्याओं में एक द्रौपदी की कथा केवल ऑडियो डिटेल्स पर।